जी हेलो एंड वेलकम टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलिंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट टू बाय सोल सिटी एंड जमीन.com हर पता हमें पता है जी द फर्स्ट क्वालिफायर द फर्स्ट मैच ऑफ द प्लेऑफ्स ऑफ दिस सीजन विल बी प्लेड शॉर्टली इन लाहौर इट्स द लाहौर कलंदर्स टेकिंग ऑन द मुल्तान सुल्तान्स डिफेंडिंग चैंपियंस जो हैं थोड़ा और करीब आ गए हैं अपनी मंजिल के ऑफ डिफेंडिंग देयर टाइटल और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स भी उतने ही रेडी और उतने ही बैलेंस्ड और उतने ही जोश में है टू ऑल्सो विन दिस टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम दोनों टीम्स ने एक एक बार जी टाइटल जीता हुआ है लाहौर कलंदर्स ने 2022 में जीता था और उससे पहले फिर 2021 में मुल्तान सुल्तान्स वर द चैम्पियंस सो बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है अभी इतने पीछे नहीं जाना पड़ेगा उनको टू रियली यू नो लुक बैक एट देयर टाइटल ग्लोरी लेकिन जी मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स आर बोथ इक्वली स्ट्रॉन्ग टीम्स एंड दे विल बी फेस टू फेस टुनाइट इन लाहौर फाइटिंग फॉर अ प्लेस इन दैट फाइनल स्पॉट याद रखिए जी कि आज जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में क्वालिफाई करेगी और संडे को फाइनल खेला जाएगा लाहौर में एंड द विनिंग टीम विल बी स्ट्रेट इन टू द फाइनल और जो आज की लूजिंग टीम होगी उनके पास एक और मौका होगा टू मेक दैट प्लेस इन द फाइनल प्ले ऑफ ट्री पे नजर डालते हैं जी इस वक्त सूरत हाल क्या है का होम पिचेस का एडवांटेज जरूर होता है और लाहौर थोड़ा सा इनमें बिटवीन थोड़ा सा गैप थोड़ा सा अगर नजर आए तो मुल्तान की जो बैटिंग लाइनअप है थोड़ी सी ज्यादा कंपेटिटिव है बनिस्बत लाहौर के यही एक मेन वजह है कि जो टीम जो एक्सपर्ट्स हैं जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं फैंस हैं वो थोड़ा सा मुल्तान को जरूर एज दे रहे हैं लेकिन अगर हम उनकी बैटिंग की मलिक साहब कंपैरिजन करें खास तौर पे जो उनका टॉप ऑर्डर है जिस तरह के स्टार्ट उनको प्रोवाइड होते हैं मोहम्मद रिजवान 483 रन्स है तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स काफ़ी ज़्यादा काउंट करते हैं जो ओपनिंग स्टैंड होता है उस पर ओपनिंग देखें दोनों साइड से अगर आप देखें जिस मैच में स्कोर नहीं करता फ़खर उसमें लाहौर बुरी तरह स्ट्रगल करती है तो वो तो एक प्लेयर पर स्टार्ट में बैंक कर रहे हैं मगर मुल्तान को अगर देखें तो मुल्तान की बड़ी लंबी बैटिंग है और वो हमेशा उनकी बैटिंग ने उनको मैच जितवाए हैं नो डाउट इसमें कि एहसानुल्ला और नीचे उनकी बॉलिंग भी अगर आप कंपेयर करें तो इतनी बुरी नहीं है तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुल्तान की साइड बहुत बुरी नहीं है वो इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है तो मेरे ख्याल में आज जैसे आसिफ ने कहा कि लाहौर का उनको एडवांटेज होएगा होम क्राउड का मगर बात यह है कि ये मोस्टली लड़के जो हैं वो पाकिस्तान से हैं तो अपनी ग्राउंडों का उनको आइडिया तो है हर रोज़ फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते हैं वनडे मैचेस खेलते हैं तो ज़्यादा मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हाँ ड्यू फैक्टर का अगर थोड़ा बहुत अगर फ़र्क पड़ा तो सेकंड बैटिंग वाले को शायद एडवांटेज हो अदरवाइज़ अगर आप देखें तो लाहौर मुल्तान की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है और लाहौर की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग तो मैच अच्छा होगा टांकेदार होगा बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का हम अभी बात कर रहे थे लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें आसिफ अगर हम दोनों ओपनर्स का कंपैरिजन करें फ़खर जमान का और मोहम्मद रिजवान का तो जी रन्स में तो रिजवान जो है वो डेफिनेटली आगे हैं 483 रन्स हैं जी इस वक्त 10 मैचेस में मोहम्मद रिजवान के वेयर एज फ़खर जमान इज ऑन 378 रन्स इन हिज 10 मैचेस यहाँ पे थोड़े रिजवान जरूर लीड कर रहे हैं रन्स में लेकिन अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो फ़खर जमान जी 171 पे कर रहे हैं इस वक्त मेंटेन अपना स्ट्राइक रेट और रिजवान जो है वो 145 के स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं ये आपको क्या लगता है कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है आजकल के जो इन प्लेऑफ्स हैं इन मैचेस में बिल्कुल आप देखिए रिजवान थोड़ा सा कंसिस्टेंट रजे करता आ रहा है वो हर गेम में 40-50-60 के करीब जाता है कंसिस्टेंट है बनिस्बत फखर के फखर अगर हाँ नो डाउट फखर लाहौर कलंदर फखर के ऊपर डिपेंड करती है अगर वो रनजे नहीं करता तो लाहौर की बैटिंग लाइन थोड़ा स्ट्रगल करती है उसमें आके जो डिफरेंस पैदा करेगा वो रोसो करेगा आके yes. और जिस तरह से यंग लड़के ने 100 किया रिजवान के साथ
वो भी आज ऑब्वियसली वो भी टीम का पार्ट ही होंगे, और फिर रोसो है, फिर नीचे से पोलार्ड आता है, तो ये थोड़ा सा एज होगा क्योंकि उधर इनके पास फास्ट बॉलिंग में भी फास्ट बॉलर का जी टीम डेविड भाई टीम डेविड भी है आसिफ इनमें जो मेरा ख्याल बहुत अच्छा बैट्समैन स्लिम भाई इस मैच में जो क्लेवर कैप्टेंसी करेगा ना और अच्छे टाइम पे अच्छे डिसीजन करेगा एक रन आउट एक अच्छा कैच वो मैच चेंज करेगा बिल्कुल ये फखर जमान के ग्राफिक्स जो हमारे स्टैट्स हैं हमारे ग्राफिक्स टीम ने बनाए हैं जी उस पे अगर नजर डाले 37 की एवरेज है इन 10 मैचेस और 250s हैं और 71 का हाई स्कोर है मलिक साहब ये जरूर डिपेंड कर रहे हैं वही जिस तरह आपने कहा ना कि एक बैट्समैन पे बैंकिंग हो रही है कलंदर्स की और दूसरी तरफ वहां पे तो है उनके तो हिटर्स ही नहीं खत्म हो रहे वो तो 7 नंबर तक मिलर आते हैं टिम डेविड आते हैं खुशदिल शाह भी अभी तक हमने उनकी इनिंग्स भी वी आर येट टू सी समथिंग फ्रॉम हिम एज वेल तो यहाँ पे अगर लाहौर को चेस करना पड़ गया आज तो थोड़ा मुश्किल हो जाना देखे ना कराची के खिलाफ भी अगर आप देखें तो लाहौर जैसे ही फखर आउट हुए तो इनको स्ट्रगल कर रहे थे बिल्कुल पहले तो खैर उन्होंने स्कोर ही बहुत करवा दिया था मगर अगर यहाँ फखर अगर आज फेलियर होता है तो ये लाहौर कलंदर के लिए बड़ा मुश्किल होएगा मुल्तान को जीतना क्योंकि उनकी बैटिंग अगर रिजवान की बात करें तो उसकी 60 की एवरेज है और उसकी बचत ये हो रही है एक बार फिर दिखा दें व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट हिम जी उसकी 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 गुड लक ये है कि उसका स्ट्राइक रेट इसलिए छुप जाता है कि उसके सामने बाकी जितने प्लेयर हैं वो बड़ा तेज़ खेलते हैं वो स्ट्राइक रेट को गिरने नहीं देते उसको कवर कर जाते हैं रिजवान की स्ट्राइक रेट को तो और एक प्लेयर जैसे देखें हम इस्लामाबाद का हमेशा कहते हैं कि उनकी बैटिंग लाइनअप में कोई ऐसा बंदा नहीं जो कंसिस्टेंट स्कोर कर रहा हो जो टीम को ले कर चले तो रिजवान का एक एडवांटेज इनको ये है कि ये टीम को साथ लेके चलता है और गुड लक साथ ये है कि एक स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन बहुत ऐसा सपोर्ट उनको मिल जाता है जो कि फखर जमान थोड़ा सा जरूर मिस करेंगे यहां पे एक ब्रेक लेते हैं जी व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक थोड़ा बॉलिंग कंपैरिजन करेंगे एंड वी विल टॉक अ बिट मोर अबाउट द मैच जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलिंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड zameen.com हर पता हमें पता है क्वालिफायर वन अबाउट टू किक ऑफ इन लाहौर इट्स लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स डिफेंडिंग चैंपियंस वर्सेस फॉर्मर चैंपियंस एज वेल तो दोनों टीम्स को अंदाजा है कि ये कितना हाई प्रेशर मैच होने वाला है और जो भी टीम यहाँ से जीतेगी they will qualify straight for the final. तो एक high pressure match जरूर है लेकिन it's not going to be a knockout game. तो जो भी team आज हारेगी उनके पास एक और मौका होगा जैसे भी आपने देखा playoff tree में कि वो एक और match खेल के अपनी जगह बना सकेंगी ये फायदा है जी top 2 में आने का points table पे online जी हमें join किया हुआ है former Pakistan captain the run machine मोहम्मद यूसुफ साहब ने अस्सलाम वालेकुम सर अच्छा जी यहाँ पे यूसुफ भाई बड़ा मजे का कंपैरिजन हम अभी कर रहे थे बैटिंग का इन दोनों टीम्स का और हमने ये अंदाजा लगाया है कि जो स्टैट्स भी हमें बता रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स जो हैं दे आर फार मोर सिक्योर इन देयर बैटिंग लेकिन अगर हम बॉलिंग का कंपैरिजन करें बड़ा क्लोज कंपैरिजन जा रहा है क्योंकि एक तरफ होंगे शाहीन और एक तरफ होंगे एहसानुल्ला तो बॉलिंग को कैसे कंपेयर करते हैं आप इन दोनों टीम्स की बॉलिंग को वैसे कंपेयर करें एज ए पर्सन टू पर्सन तो लाहौर कलंदर की बॉलिंग बहुत बेहतर है मुल्तान सुल्तान्स से लेकिन इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस देखी जाए तो उसमें ज्यादा विकटें उनके बॉलर्स ने ली एहसानुल्ला ने और अब्बास अफरीदी ने तो करंटली अगर देखा जाए तो इनकी बॉलिंग ज्यादा बेहतर नजर आ रही है मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए जो करंट टूर्नामेंट चल रहा है लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो शहनशाह आर सुहेल और राशिद खान ये वर्ल्ड नॉन बॉलर्स हैं और इन्होंने पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस दे दी है राशिद ऑलरेडी नंबर 2 के आईसीसी की रैंकिंग में और अभी जमान खान का रिसेंटली पाकिस्तान टीम में भी नाम आ गया तो ये देखा जाए तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ी बॉलिंग साइड है लेकिन परफॉर्मेंस जो चल रही है इस टाइम वो
मुल्तान सुल्तान के दो बॉलर्स टॉप पर है, तो कंपैरिजन किया जा ही सकता है क्योंकि बैलेंस है दोनों साइडों पे। करंटली वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड नॉन, तो इनके पास तीन ऐसे बॉलर हैं जो पूरी दुनिया जानती है। Right, news from the center is that Shaheen Shah Afridi is going to be bowling first. It was the Multan Sultans who won the toss. वो पहले batting कर रहे हैं। मलिक साहब, ये थोड़ा decision आपको surprising लगा है, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि wicket के मुताबिक bowling के conditions ज़्यादा लग रही हैं। नहीं, आप देखें उन्होंने ये क्यों decision लिया है, क्योंकि उनकी batting bowling strong है लाहौर कलंदर की, तो मेरे ख्याल वो नहीं चाह रहे कि अगर उन्होंने कम भी स्कोर किया होता तो वो बहुत फाइट करते, क्योंकि उनकी है तो बॉलिंग ही स्ट्रॉन्ग, तो मेरे ख्याल वो चाह रहे हैं कि एक दफ़ा इतना स्कोर लगा दें। बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। नहीं, ये मेरे ख्याल में उसने बड़ा समझदारी से काम लिया है, क्योंकि अगर उनकी बॉलिंग भी अगर आप देखें तो एक ने 22 आउट किए हुए, एक ने 20 आउट किए, तो उनकी बॉलिंग भी इतनी बुरी नहीं है, नहीं है तो अगर वो एक दफ़ा स्कोर लगा देंगे तो फिर बड़े मैच में बड़ा प्रेशर होता है टीम को चेस करते हुए। बिल्कुल, तो ये अच्छा डिसीजन था मेरे ख्याल। आसिफ, आप क्या कहेंगे इस डिसीजन के बारे में? रिजवान बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे और ही डज नॉट रियली केयर के टॉस क्या वो पहले कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं। जी, ऑफ कोर्स रिजवान बैटिंग कर रहे हैं, और जिस तरह का ये पिच है, ये पिंडी का पिच नहीं है, और लाहौर की सिचुएशन डिफरेंट होगी, थोड़ा सा बाउंड्री का डिफरेंस पड़ेगा, क्योंकि पिंडी में पिच बहुत बैटिंग ट्रैक बन गया था, बाउंड्री थोड़ी सी शॉर्ट थी, तो उसमें इसमें ये फर्क होगा कि अगर रिजवान ने 190 या 200 बोर्ड पे लगा दिया तो इस पिच पे और इस ग्राउंड में इतना चेज करना ईजी नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल के ही चेज होगा। तो रिजवान ने अच्छा डिसीजन लिया कि जिस तरह उसने बोला भी है कि मैं कोशिश करूंगा नया बॉल सी ऑफ करके चलूं, तो अगर वो शाहीन के ऊपर से दो तीन अच्छे ओवर निकाल के, चाहे वो 8-8, 7-7 की एवरेज से भी रन करते हैं, तो बोर्ड पे एक अच्छा टोटल सेट कर दिया रिजवान ने, तो मेरा नहीं ख्याल के लाहौर कलंदर चेज कर पाएगा 190 या 200। चले, ये तो अभी हमें पता लगेगा। यूसुफ भाई, आप अक्सर ये बात करते हैं कि राशिद को जो है ना वो विकेट नहीं देनी, और ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज मुल्तान के बैटर्स की, कैसे देख रहे हैं आप, कितना किस तरह वो फेस करेंगे अब नए बॉल के साथ शाहीन को और ओवरऑल इनकी लाहौर की बॉलिंग को? हाँ, देखिए अगर राशिद को भी नहीं स्कोर करना और ऊपर से वो कह रहे सी ऑफ करना, तो फिर तो स्कोर बहुत कम बनेगा। किसी एक को तो आप चांस ले सकते हैं, इसको विकेट नहीं देनी, इस पर 25-30 रन बनाने, लेकिन ऊपर से अगर विकेट में कुछ टीम नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो आपको ऊपर के 6 ओवर में 50+ रन को करने चाहिए ताकि आप 180 तक जाएं, क्योंकि बॉलिंग इनकी स्ट्रांग है। सिर्फ विजय एक बीच में हल्का लगता है, लेकिन वही विकेट ले जाता है, वो मैन ऑफ द मैच भी हो गया एक बार, क्योंकि उसको मारने जाते हैं तो विकेट ले जाता है, बाकी बॉलिंग टफ कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है विकेट क्या खेलती है। उस शाहीन ने बोला कि नई पिच है, हो सकता है कि नए बॉल पे उनको मूवमेंट मिले, जो वो बोल भी रहा था, अगर मूवमेंट मिलती है और वो विकेटें भी ले जाते हैं ऊपर से, तो हो सकता है मुल्तान सुल्तान को मुश्किल हो, क्योंकि फिर 180 करना या 190 करना मुश्किल हो जाएगा, इनकी बॉलिंग अच्छी है, दरमियान में राशिद आ जाता है, हारिस रोज के ओवर आ जाते हैं बीच में, तो इनके लिए है टफ बॉलिंग है उनके लिए, लेकिन डिपेंड करता है आप किस तरह क्रिकेट खेलते हैं। कॉन्फिडेंस आई है इनका, और ये पिछले साल भी फाइनल खेले थे इनके साथ, इनमें कॉन्फिडेंस बहुत है, स्पेशली रिजवान में, कि वो दिलेरी से क्रिकेट खेलता है। चलें, वी विल फाइंड आउट इन अ शॉर्ट वाइल एक्चुअली, कि टिल जो है वो मुल्तान सुल्तान सेट करते हैं अगेंस्ट दिस वेरी सबलाइम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद उन्हें कम बैक तो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे प्लेइंग 11s पे। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स पीएसएल क्रिकेट हंगामा, प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलेंस, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक, एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड जमीन.com, हर पता हमें पता है। प्लेइंग 11s जी सामने आ गई है, कपल ऑफ चेंजेस ऑन बोथ साइड्स। लाहौर की तरफ से जी ताहिर बेग और सिकंदर रजा जो है वो वापस शामिल किए गए हैं स्क्वाड में, जिनको लास्ट मैच में रेस्ट करवाया था, और मुल्तान सुल्तान के जो क्वार्टरल हैं जी वो वापस आए हैं, एंड दिस इज वॉट द प्लेइंग 11 लुक्स लाइक फॉर मुल्तान सुल्तान।
मलिक साहब, यहाँ पे चेंजेस तो खैर इतने इतने कोई ड्रास्टिक नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर लाहौर कलंदर्स, उन्होंने लास्ट गेम में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टेस्ट किए थे। ओवरऑल टीम तो उनकी बैलेंस अभी भी लग रही है। नहीं, चेंजेस होनी नहीं थी, वो तो पिछले मैच में चूँकि इंटरेस्ट कोई नहीं था, वो क्वालिफाई कर चुके थे, इसलिए चेंज की थी। ऑब्वियसली वही टीम खेलनी थी जो उनकी बेस्ट स्ट्रेंथ है, वही दोनों टीमें खिलाएंगी तो वही उन्होंने किया, कोई ख़ास चेंज तो की नहीं जी। तो चले, वी विल फाइंड आउट सून कि क्या किस माइंडसेट के साथ आज लाहौर के बॉलर जो है हमारे सामने आएंगे। आसिफ, ओवरऑल अगर आप दोनों टीम्स को देखें, दोनों टीम्स बैलेंस जरूर है, बट देर आर सर्टन की प्लेयर्स जो आप कहते हैं इससे मैच डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से आती हैं। फखर जमान ऐसा एक प्लेयर है लाहौर का, मुल्तान की तरफ से आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा की प्लेयर है उनकी बैटिंग में, चूंकि अभी वो बैटिंग से शुरू करने वाले हैं, जो उनके लिए मैच डिफाइन करेगा आज का? जी ऑफ कोर्स, आपको पता रिजवान जिस तरह से कंसिस्टेंट रन कर रहा है अपनी टीम के लिए, तो वो बहुत क्रूशल होगा। और स्पेशली नीचे से जो रोसो आता है, तो वो जिस पेस से आता है वो पेस काम नहीं हो करता अपनी, वो उसी तरीके से खुल के खेलता है और जिस तरह से अच्छी हिटिंग करता है। तो दूसरी तरफ आप शाहीन शाह अफरीदी के ओवर निकाल लें, अगर उसकी शेप अच्छी नहीं बन रही, अगर आप उसको सी ऑफ कर देते हो, तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि एक अच्छा टारगेट अगर उन्होंने दे दिया तो इस पिच पे चेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुल्तान के पास बॉलिंग अटैक जो उनके बॉलिंग ऑफ नंबर हैं, जिस तरह से हाइएस्ट विकेट टेकर चल रहे हैं अब्बास और एहसानुल्लाह, फिर लेग स्पिनर आके बीच में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो एक गेम लुक लाइक एक नेक टू नेक गेम देखने को मिलेगी आज। चले, अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर लाहौर को चेज करना पड़ गया तो शायद उनके लिए जो है सिचुएशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी भी आपको लगता है कि लाहौर, क्योंकि डिपेंड ही खाली फखर जमान के ऊपर करते हैं, उनके पास सिकंदर रजा है जिन्होंने रन किए, लेकिन उनके भी कोई अगर आप कंपैरिजन करें राइली रूसो और रिजवान के साथ, तो लाहौर की बैटिंग जो है वो थोड़ी हल्की नजर आ रही है। तो चेस करना इतने हाई प्रेशर मैच में, अगर फखर जमान जो है लंबी इनिंग्स आज नहीं खेल पाते, तो किसकी तरफ देख रहे होंगे लाहौर कलंदर्स उस टाइम पे? उनके पास अब्दुल्ला शफीक भी है, देखे फिर नीचे से उनके पास हसैन तलत, जो कि हसैन तलत नहीं चल पा रहे बैटिंग में इतना अच्छा जिस तरह से उसने लास्ट ईयर परफॉर्म किया था, तो वो उनके पास जो बॉलिंग जो है वो इस तरह की बॉलिंग है कि इस तरह के ऑलराउंडर्स को वो पकड़ सकती है। तो लाहौर को अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिला तो लाहौर ट्रबल में आएगी जरूर। बिल्कुल, आसिफ ने अभी बात की थी कि आज के मैच में जो कप्तानी अच्छी करेगा, जिस तरह से हम कैप्टेंसी आज देखेंगे, क्योंकि एक बड़ा मैच है और बड़े मैच में पता लगता है कैप्टन का, ये एक अच्छा क्लैश होने वाला है आज, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मोहम्मद रिजवान। नहीं, आज देखें स्टार्ट में ही अगर आप देखें तो उसका डिसीजन बड़ा अच्छा है। नो डाउट क्रिकेट में अच्छा बुरा होना वो एक किस्मत की बात है, मगर जो उसने डिसीजन लिया है बैटिंग का, वो उसने बहुत सोच समझ के लिया है। और दूसरी बात, अभी आपने पूछा था कि ये इनमें फ़र्क क्या होगा दोनों टीमों में, बैटिंग में कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो मेरा ख्याल है रोसो और इनके पास अगर देखें ना टीम डेविड ऐसे प्लेयर हैं जो किसी वक्त भी मैच को चेंज कर सकते हैं। रिजवान नो डाउट कि वो ले कर चलता है, मगर नीचे जो दो बैट्समैन ये हैं, और फिर अगर आप नीचे जाते आप जाएं, उस्मान खान को भूल रहे हैं जिसने अभी रिकॉर्ड बनाया। हाँ, आप देखें ना, वो भी पहला मैच था, उस पर शायद इतना रिलाय ना करें, मगर उसने किया तो है, मतलब 35 गेंदों में 100 किया। अगर आप उनकी तरफ देखें लाहौर कलंदर की तरफ, तो आपको फखर के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं नज़र आता जो इनकी बैटिंग में आपको नज़र आता है। और फिर अगर ये स्कोर कर जाते हैं तो उनकी टीम में देखें ये जो रजा या दूसरे जितने भी बॉलर हैं बैट्समैन हैं, ये मीडियोकर बॉलिंग के ख़िलाफ़ तो बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर वहाँ जब 150 पे एहसानुल्ला करेगा या हमारा वो इटालियन बॉल करेगा अफरीदी जी, अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो वो देखें वो दोनों फास्ट बॉलर उनके बेहतर हैं, उस फिर उसामा मीर है, तो ये उनकी टीम उनकी बॉलिंग बुरी नहीं है अगर वो अच्छा स्कोर कर गए। तो ये कंपेयर करें तो मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, तो अब देखें दिन पे भी बड़ा डिपेंड करता है। करें कैप्टन्स दोनों, अभी तक आपको कप्तानी में दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन लग रहा है, क्योंकि जो स्टैट्स हमें बता रहे हैं वो ये है जी कि शाहीन शाह अफरीदी की जो विन परसेंटेज है एज कैप्टन
70% है, रिजवान की 67% है, तो यहाँ पे दोनों के तकरीबन बराबर ही हैं स्टार्ट। किस कैप्टन को आप आज ज़्यादा हाई रेट कर रहे हैं या क्या ऐसी चीज़ होगी डिफाइनिंग होगी? देखिए कप्तानी में अगर आप कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा यंग है, मगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो पिछले कई सालों से वो पाकिस्तान की वाइस कप्तान रहा है रिजवान, और फिर अपनी लीग की भी वो कप्तानी कर रहा है मुल्तान की। तो मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस पे अगर आप जाएं तो रिजवान ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मगर वो ज़रा एग्रेसिव किस्म का कप्तान है, बोल्ड डिसीजन लेता है, उसकी बॉलिंग अच्छी है, उसकी टीम ने अच्छा भी किया है। तो मेरा ख्याल है कप्तानी मुझे लगता है कि रिजवान थोड़ा एक्सपीरियंस कप्तान है। चलें वी विल यू नो वी आर ईगर टू सी कि आज के इस ऑल इम्पॉर्टेंट मैच में कैसे उतरते हैं रिजवान, किस माइंडसेट के साथ उतरते हैं। यूसुफ भाई प्रिडिक्शन का टाइम आ गया है, दोनों टीम्स जो हैं क्या आपको लग रहा है आज बहुत नेक टू नेक मुकाबला होगा या एक टीम को आप थोड़ा एज आज दे रहे हैं? जी यूसुफ भाई आपको आवाज आ रही है? आई थिंक उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। आसिफ आपकी तरफ ही सेम सवाल करूंगी, प्रिडिक्शन अपनी बताइए जी, मुल्तान या लाहौर? जी मुल्तान सुल्तान, क्योंकि रिजवान जिस तरह से थोड़ा सा मच मोर एक्सपीरियंस और सेंसिबल कैप्टनसी करता आ रहा है, तो मेरा जो पलड़ा जाएगा वो मुल्तान सुल्तान की तरफ ही जाएगा। चले यूसुफ भाई आपकी क्विक प्रिडिक्शन हम सुनना चाहेंगे। चले मलिक साहब क्विक प्रिडिक्शन। मुझे मुल्तान की बैटिंग की वजह से मैं कह रहा हूँ मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। चले और यू नो यू नेवर नो, टॉस भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है और आज क्योंकि मुल्तान टॉस जीत के लाहौर को चेज करवा रहे हैं तो शायद ये डिफाइनिंग मोमेंट होगा जी पूरे मैच का। वील फाइंड आउट जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैच का वक्त हो गया, हम आपसे मिलेंगे मैच के बाद 11 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय द मैच एंड अल्लाह हाफिज़।